कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब मजे में होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल बिग टेक्नो। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारी वेबसाइट की पोस्ट को robots.txt में चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें इसके लिए एक वेबसाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां जाके आपकी वेबसाइट की पोस्ट को robots.txt में चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं गूगल क्रोम से इस लिंक को ओपन कर देता हूं। जस्ट मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं और ये वाली लिंक जो है उसको मैंने ओपन की है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी है। उसके बाद हमें जो भी पोस्ट का URL robots.txt में टेस्ट करना है उसको हमें कॉपी करना है। तो उसके लिए हमें हमारी वेबसाइट में जाना है और उसके बाद में जो भी पोस्ट का हमें URL टेस्ट करना है उसको कॉपी करना है। यहाँ से मैं ये URL को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में ये robots.txt जो वेबसाइट दी हुई है टेस्टिंग के लिए, वहाँ पे नीचे की साइड पे जाना है और यहाँ पे https जो सेक्शन है यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है, यानी कि जो भी हमने पूरा URL कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद में टेस्ट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो भी पोस्ट है उसमें robots.txt में अलाउ है, यानी हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा हुआ है या गूगल की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारी पोस्ट पे, या कोई भी वार्निंग नहीं है या एरर नहीं है। वार्निंग या एरर जो भी होगी वो यहाँ पे शो करेगी नीचे की साइड पे। तो इस तरह से हम हमारी जो भी पोस्ट है उसको robots.txt में टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।